हाथरस के सदर कोतवाली में उस समय भारी हंगामा मच गया जब एक सिपाही ने 3 एटीएम ठगों को दबोच लिया, जिसमें से 2 फरार होने में कामयाब रहे। बता दें कि जनपद आगरा में तैनात सिपाही जयप्रकाश मुरसान गेट स्थित यूनियन बैंक के एटीएम से पैसे निकाल रहा था, तभी 3 ठग ठगी के इरादे से वहां पर आ गए और सिपाही से उसका एटीएम कार्ड बदल लिया। जब इसका पता सिपाही को चला तो ठगों को पकड़ लिया, जिनमें से 2 मौके से फरार हो गए। पकड़े गए ठग की सिपाही और लोगों ने जमकर पिटाई भी कर डाली। एटीएम इसने मेरा बदला, तुरंत मैंने उसको झपट्टा मार लिया, भाई मेरा एटीएम क्यों बदल रहा है, ये अपना एटीएम मुझे क्यों दे रहा है, मेरे पे नाम डला हुआ, तो तुरंत मेरा एटीएम मेरे ऊपर फेंक के वो भागने लग गया। इसका कॉलर पकड़ा, क्या गेट में था, इतने थे टोटल, ये गेट पे 2 लोग खड़े हुए थे, एक मेरे पीछे आया था, हाँ, लेकिन बाइक में भगते समय ये 2 थे, बाइक में जब भाग रहे थे उस समय 2 थे, जो मेरा एटीएम लेके भाग रहा था वो पीछे बैठा, मैंने उसका कॉलर पकड़ा, वो तो मुझसे छुड़ा के कोतवाली में एक मामला आया था, यूनियन बैंक का एटीएम है, वहाँ पर एक आगरा में तैनात सिपाही है, वो पैसे निकाल रहा था, तो एक व्यक्ति ने उसके साथ में धोखाधड़ी करके एटीएम बदलने की कोशिश की उसकी, और उस एटीएम को बाद में यूज करके पैसे निकालने की बात की, तो उस सिपाही ने वो वहाँ पे सजगता दिखाई और उसको जब से पहचान में आया कि व्यक्ति कुछ धोखाधड़ी कर रहा है, उसको वहाँ पे पकड़ लिया गया, और जो सिपाही है उसके जो तहरीर है उसके आधार पर मुकदमा लिखा जा रहा है, वहाँ पे लोग भी मौजूद थे, उन लोगों ने भी घटना को देखा है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता सिपाही की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है, साथ ही पकड़े गए ठग से पूछताछ भी हो रही है। हाथरस से सूरज मौर्य, पंजाब केसरी टीवी। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।